प्रोजेक्टाइल किसे बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल वो बॉडी है जिसको जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। जैसे सपोज करो आपके पास एक ये बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग के टॉप से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब आपने पत्थर लिया, पत्थर लेके हॉरिजॉन्टली फेंका। आपने देखा होगा कई बार, मतलब अगर मान लो ये बेंच है वो बेंच है, तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को सीधा जोर की फेंकूं तो यहाँ से हो सकता है यहाँ पे लैंड भी कर जाए, पर हो सकता है वो थोड़ा सा नीचे लैंड करे और टक्कर हो जाए। नीचे क्यों लैंड करेगा? उड़ता उड़ता सीधा ग्रेविटी उसे अपनी तरफ नीचे खींच लेगी। तो अगर ग्रेविटी ना होती तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए सीधा ही जाता जाता, पर क्योंकि ग्रेविटी है तो ये ऐसे पाथ फॉलो करेगा, कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो पैराबोलिक इन नेचर। तो इस ऑब्जेक्ट को, चाहे ये ऑब्जेक्ट स्टोन हो, चाहे ये पेन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मिसाइल हो, कुछ भी हो, इस बॉडी को क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है जब उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर सपोज करो ये ग्राउंड है, आपने ग्राउंड से सपोज एक बॉडी को ऊपर फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ वी, टेढ़ा फेंका, या मिसाइल लॉन्च होती है आपने देखा होगा तो, या कहीं वॉर चल रही है तो ट्रक्स के पीछे वो जो मिसाइल चलती हैं, तो बेसिकली क्या है, वो एंगल पे जाती हैं, किसी एंगल पे जाके वो ये रास्ता फॉलो करती है। तो अगेन इसको, इस बात को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री पैराबोला है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब इसका पाथ कैसा है? पैराबोला। ट्रेजेक्ट्री इज अ पैराबोला, तो पाथ इज अ पैराबोला। तो इस बॉडी को, इस मिसाइल को इसमें क्या बोलेंगे? ये एक प्रोजेक्टाइल है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो हम दो किस्म की प्रोजेक्टाइल की जर्नी स्टडी करेंगे, एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से गिरना और एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करना, जैसे फुटबॉल को किक करना, ठीक, मिसाइल को लॉन्च करना। तो इस तरीके से हम इसको, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आगे चलने से पहले प्रोजेक्टाइल के अंदर सपोज करो ये आपके सामने, मैं एग्जांपल लेता हूँ, टॉप ऑफ द टावर है ये रहा, और आपने एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीधा प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। इमेजिन करो कैसे आपने प्रोजेक्ट किया था, हॉरिजॉन्टली। कैसे फेंका? हॉरिजॉन्टली, आपने वर्टिकल बिल्कुल नहीं फेंका। तो एक बात बताओ, और हाँ, कितनी हाइट से गिरा? मान लो 980 मीटर से गिर दिया, ठीक है यहाँ तक? ये क्वेश्चन है। अब ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसकी, वो पैराबोला ऐसी बनेगी कुछ, ये पॉइंट भी क्लियर है? तो ये इसकी, इसका पाथ फॉलोड होगा। अब ये इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूँ, बस ये 5-7 मिनट ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, ठीक है? देखो इसके अंदर आप मुझे ये बताएं, मैंने इसको इनिशियली का मतलब एट टाइम टी इक्वल टू 0, जो मेरे हाथ से चली थी बॉडी को, कैसे फेंका था? हॉरिजॉन्टली। क्या मैंने वर्टिकली गिरा? नहीं गिरा। तो इनिशियल बोल रहा हूँ, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। मतलब बॉडी के दो कंपोनेंट्स होते हैं वेलोसिटी के, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग। मैंने बॉडी को एक्स के अलोंग गिरा, वाई के अलोंग इनिशियली नहीं गिरा, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग क्या ली जाएगी? 0। कोई डाउट इसमें? अब अगले इंस्टेंट पर ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टली तो सदा जाएगी नहीं, तो ग्रेविटी के अफेक्ट में आएगी और ये बॉडी आगे भी जाएगी और साथ के साथ नीचे भी उतरेगी, कवरिंग टू डायमेंशंस। जब ये यहां से यहां लैंड हो जाएगी, इसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया नीचे उतरने में? 980। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया ग्राउंड के ऊपर? एक्स। ग्राउंड के डिस्टेंस को, इस टावर से ग्राउंड का डिस्टेंस इतना कवर हुआ, ग्राउंड के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज। आपने सुना होगा टीवी के ऊपर आता है कि अगर मान लो एक कंट्री मिसाइल लॉन्च करे तो बोला जाता है कि इस मिसाइल की जमीन के ऊपर दूरी, जमीनी दूरी 2000 किलोमीटर है, तो ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। तो एक्चुअल में दे वांट टू से दैट दिस इज अ ग्राउंड टू ग्राउंड डिस्टेंस। मिसाइल्स हवा में चला के क्या ही करेंगे, हवा में तो गिरनी नहीं है, ग्राउंड टू ग्राउंड गिरनी है, उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज हमेशा ग्राउंड जमीनी डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं। तो एक्स क्या है इसकी? रेंज। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक?
तो जैसे ही प्रोजेक्टाइल आगे गया और प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ता जा रहा है, प्रोजेक्टाइल की सामने जाने की वेलोसिटी, ये देख रहे हो, आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, तो इसकी एट अ टाइम दो वेलोसिटीज होंगी। एक वेलोसिटी इसको आगे लेके जा रही है और एक वेलोसिटी इसको ग्रेविटी की वजह से नीचे लेके आ रही है, क्योंकि वेक्टर के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स भी होता है और वाई भी होता है। एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज का आंसर दो, क्या एक्स एक्सिस में कोई फोर्स एक्ट कर रही है? एयर की फोर्स तो नहीं लेनी, निगलेक्टेड है। क्या ग्रेविटी एक्स में एक्ट करती है? नहीं करती। क्या कोई और फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स के अलोंग एक्ट कर रही है? नहीं कर रही। तो एक्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है, और जहां एक्सेलरेशन नहीं है वहां वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। लेकिन नीचे आने में ग्रेविटी क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसे खींचती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां करेगी? नीचे। तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे है तो बॉडी की एक्सेलरेशन होगी वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन होने का मतलब बॉडी वाई एक्सिस में अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में जीरो है, मान लो इसकी वेलोसिटी वन हो गई, फिर टू हो जाएगी, फिर थ्री हो गई, जैसे अपने मन से वैल्यू ले रहा हूं मैं, फोर हो गई, फाइव हो गई, सिक्स हो गई, सेवन हो गई, नाइन, कुछ भी, मतलब वाई एक्सिस ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एक्स की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई की वेलोसिटी हमेशा बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं है, वाई में फोर्स है। तो ये रूल नंबर वन क्लियर है कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, और वाई एक्सिस में हमेशा बढ़ेगी। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। तो वाई एक्सिस में बोलो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक। ठीक है यहां तक? ठीक है, फिर समझते हैं इसे, इसी को समझेंगे आज हम, कुछ नहीं करेंगे, बस इसी को देखते रहेंगे। इसी डायग्राम को 3-4 बार दिखाता रहूंगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एंटर कर जाए, क्योंकि कुछ नहीं करना, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल चलने हैं। फिर देखो, जैसे सपोज करो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को घेरा गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या डिस्टेंस है? 9 मीटर डिस्टेंस से नीचे लैंड करेगा, कुछ ऐसे ऐसे ही है। अब क्वेश्चन है, बताओ कितने समय में ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, और ये भी बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये सेकंड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से देखना मैं क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं, फिर आप करना। सबसे पहले रूल नंबर वन, जब आप एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करोगे तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या लोगे? जीरो। ठीक है, कुछ आंसर देना मेरे इन क्वेश्चन के। ये जर्नी 2D जर्नी है। 2D का मतलब दो डायमेंशन साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, एक्स भी और वाई भी। हमने जो मोशन चैप्टर की है वो मोशन इन 1D की है। अगर आप याद करो अपने मोशन चैप्टर को, तो दो किस्म के न्यूमेरिकल थे, आधा मोशन करवाया गया था एक्स एक्सिस पे, गाड़ी चलती थी एक्स पे, और आधे न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस थे? मोशन अंडर ग्रेविटी पे, वाई एक्सिस पे। तो समझो यही हो रहा है, जब मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस तो आपने सिर्फ एक्स की चीजों को ही देखना है, जब मैं बोलूंगा वाई एक्सिस तो आपने सिर्फ वाई के कॉम्पोनेंट्स को ही देखना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस बोला, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है? जीरो। तो आपने सिर्फ वाई को देखना है। वाई एक्सिस में बॉडी जब नीचे उतर रही है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है?
वाई में 980 है, सही है। नीचे उतरते समय एक्सलरेशन वाई में कितनी है? 9.8 है, ठीक है यहां तक? ये सारी टर्म्स क्लियर है। एक्स एक्सिस में बोलो एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है पूरी जर्नी में? एक्स एक्स ये पता ही नहीं, एक्स है। अब एक्स को देखना है आपने, वेलोसिटी की वैल्यू एक्स एक्सिस में हमेशा क्या रहती है? वो तो चेंज नहीं होएगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी? 10, ठीक। मान लो बॉडी यहां से यहां आई, कितने समय में आई? टी। तो यहां पर एक्स डिस्टेंस कितने समय में कवर हो रहा है? टी। और यहां पर 980 कितने समय में कवर हो रहा है? टी। टाइम दोनों में सेम रहेगा, क्या रूल क्लियर है? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड? एस इज इक्वल टू वी टी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक ही इक्वेशन कैन बी अप्लाइड, एस इज इक्वल टू वी टी। तो इसमें अप्लाई करेंगे एस इज इक्वल टू वी टी, और इसमें तो एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है तो कोई मर्जी इक्वेशन अप्लाई कर लो, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपकी मर्जी है। जैसे सपोज मैं अप्लाई करता हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो एस की जगह 980, यू की जगह 0, हाफ, ए की जगह 9.8 और इंटू टी का स्क्वायर, बोलो टी कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 200। टाइम आ गया, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 200 इक्वेशन समझ में आ रही है? वाई की वाई एक्सिस का वाई एक्सिस के कंपोनेंट वाई पे लगेंगे, एक्स का एक्स पे लगेगा, एक्स अलग चलेगा वाई अलग चलेगा, फिर दोनों को मर्ज कर देंगे। इसे बोलते हैं 1D को अलग सॉल्व करना, 1D को अलग करना, और फिर 2D में चले जाना। 2D किससे बना हुआ है? 1D और 1D से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जैसे अगर आपको x निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है? 10, और टाइम कितना है? 200। आंसर आ गया। देखो आपने x भी निकाल दिया और देखो आपने साथ में टाइम भी निकाल दिया, तो नोट कर सकते हो इन वैल्यूज को। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना है आपको? देखो ये वेलोसिटी हमेशा 10 क्यों रहेगी? देखो आगे जाने की वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी चेंज क्यों होती है? जब फोर्स लगती है, फोर्स से एक्सेलरेशन जनरेट होती है, तो वेलोसिटी चेंज लगती है। एक्स में बोलो ऐसी कौन सी फोर्स दिखाई दे रही है जो वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जनरेट करेगी? फोर्स बोलो कौन सी है? है ही नहीं, ग्रेविटी है नहीं, एयर रेजिस्टेंस लेनी नहीं, तो रह गया क्या? कुछ भी नहीं, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। अगर एयर की रेजिस्टेंस लेनी है तो फिर हाँ, फिर ऐसी यूटिलिटी को लगेगा, पर न्यूटन अभी आया नहीं, उसे फोर्स नहीं सिखाई तुम्हें अभी, दुनिया में अभी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, याद रखना तुम अभी पैदा हुए हो अभी प्लस वन में फिजिक्स की दुनिया में, और तुम्हें सिखाया जा रहा है एयर की रेजिस्टेंस नहीं होती, फिर फोर्स भी पता नहीं तुम्हें क्या होती है, तुम्हें अब सिखाया जाएगा आगे फोर्स नाम की चीज़ भी आएगी, ठीक। तो आपने एयर की रेजिस्टेंस को नहीं लेना।
है कि आप ये देख पा रहे हो कि y के अंदर ये चीज़ें कैसे लिखी है मैंने, इक्वेशन अप्लाई कर ही लोगे, x में क्या कैसे लिखा, तो x में डिस्प्लेसमेंट x है, y में 980 है, y में एक्सलेशन 9.8, x में एक्सलेशन नहीं है, x में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, x इज इक्वल टू vt, और y में एक्सलेशन 9.8 है, x इक्वल टू u2 हाफ 80 स्क्वायर। चलो फिर से एक बार करते हैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, तो ये एक टावर है 1000 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया। क्वेश्चन है आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है और टाइम की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। साथ में ये भी आपको बताना है इसमें कि जब ये बॉडी यहाँ से प्रोजेक्टाइल की तरह चली थी, प्रोजेक्टाइल चली थी, तो ये इसने किसी वेलोसिटी से यहाँ हिट किया था ग्राउंड को, तो आपको इसमें टाइम बताना है, आपको इसमें एक्स बताना है, और आपको बताना है नेट वेलोसिटी जिससे कि इस प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड को हिट किया। चलो आप दो तो निकालो पहले पार्ट, तीसरा निकलेगा अभी, पहले आप फर्स्ट टू पार्ट्स निकालो, अभी किया हमने, तो आपने वही एक्स एक्सिस अलग, वाई एक्सिस अलग, अलग अलग देखना, इकट्ठी मत लगा देना, एस इज यू टी ऑफ 80 स्क्वायर, इकट्ठा कुछ नहीं लगेगा, पड़ेगी अगर 1000 मीटर है तो यार जी 10 ले लेना, 980 है तो 9.8 लेना ताकि वैल्यूज कट जाएं। तो रूल नंबर वन क्या किया आपने, रूल नंबर वन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेंकी गई थी बॉडी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को क्या लेना पड़ेगा, जीरो, ये किया सबने, ठीक है। तो आप एक्सिस डिफाइन करें पहले, एक्स एक्सिस अलग चलेगा एंड वाई एक्सिस अलग चलेगा, तो इसमें एक्स एक्सिस में वेलोसिटी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, और y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बोलो कितनी, इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है, जीरो, एक्सेलरेशन कितनी है, 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 1000 y एक्सिस में, तो अप्लाई करो s इज यू टी प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर 1000। अब देखो ना, इन सभी वैल्यूज को यूज करके अपनी इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, एस की जगह 1000, यू की जगह 0, हाफ इंटू 10 इंटू 2 टी का स्क्वायर, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 200। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? हाँ लगा सकते हैं वेलोसिटी में, हाँ वो कर सकते हैं, हाँ ठीक है, सही है, तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो एक्स एक्सिस में x इज इक्वल टू vt अप्लाई करें, x इज इक्वल टू वेलोसिटी 10 है और टाइम रूट 200 है, आंसर आ गया, ये आंसर सबका आ गया। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, हाँ बताओ वेलोसिटी कैसे निकलेगी, बोलो पहले क्या करूं, से क्या निकलेगा, ठीक है, तो वेक्टर्स हम ले लेंगे, सही है। देखो कुछ ऐसा होने वाला है, जब कोई भी प्रोजेक्टाइल गिरता है, ध्यान से देखना, ये ऐसे गिरेगा टेढ़ा, ठीक, टेढ़ा गिरेगा, तो टेढ़ा गिरेगा तो टेढ़ी वेलोसिटी वेक्टर होगा। अब वेलोसिटी वेक्टर ग्राउंड पे ऐसे गिरेगा, तो यानी कि ऐसे गिरेगा, ऐसे, पर मेरे ना ऐसे वेक्टर बनाने बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी कन्वीनियंस से थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर इसको थोड़ा सा आगे ग्राउंड के नीचे ले जाता हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैंने धरती के नीचे मिट्टी खोदी और फिर मैं वेक्टर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वर्चुअल डायग्राम है, स्पेस को यूज़ किया है, जगह खाली थी तो ये बनाना मेरे लिए इजी है, तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन यहीं तक थी ना, डायरेक्शन तो खत्म होती नहीं, डायरेक्शन तो यहाँ तक ले गया तो क्या हो गया, डायरेक्शन इधर या इधर, इधर एक ही बात होती है, तो ये नेट वेलोसिटी वेक्टर जिससे कि प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड को हिट किया है। अब यहां पे ना दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। आप बस मुझे ये बताओ कि इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, ये 10 है
तो ये भी 10 है, हर पॉइंट पर कितना आएगा, 10 आएगा। इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं ना, क्योंकि x कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल नॉट चेंज। कितने लोगों के माइंड में वैसे ये आ रहा है, पूछना भूल गया कि आंसर तो जीरो आएगा, सच आंसर नेट तो जीरो आएगा, जीरो आएगा। हाँ, उथप्पा खाने के बाद आधे घंटे बाद देखोगे तो वहाँ मिसाइल पड़ी मिलेगी, पर जब गिरी थी उसको पता है कि वो जीरो थी कि नहीं थी, तो ऑब्वियसली किसी वेलोसिटी के साथ तो वो हिट करेगी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जब इसने हिट किया, इसको जीरो मत भूलना। तो एक्स एक्सिस का कॉम्पोनेंट कितना है, 10। अगर मैं आपको, अच्छा ये बताओ, वी वाई बता दूँ, अगर मैं आपको वी वाई यानी कि वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बता दूँ, तो ये दो वेलोसिटी पता लग जाएंगी, एक वी एक्स और एक वी वाई। तो आपका ये जो वेक्टर है दोनों कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पे। तो आप क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और यहाँ से क्या निकाल देंगे, वी नेट निकाल देंगे। तो वी नेट आएगा क्या, वैसे पाइथागोरस लगा दो ना, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर एंड वी वाई स्क्वायर, सही है ना, ये वी एक्स है और ये वी वाई है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप समझ में आ रहा है? अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि टेढ़ी वेलोसिटी एक सेकंड में किसी फॉर्मूले से आएगी, तो नहीं आएगी। जो वेलोसिटी वेक्टर टेढ़े होते हैं वो कभी आंसर सीधा देते ही नहीं है, उनके पहले क्या निकलते हैं, कॉम्पोनेंट वी एक्स एंड वी वाई, उसके बाद उनका नेट रिजल्टेंट वी नेट देता है। तभी तो करवाया था कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर, यही तो एप्लीकेशन है। वो वेक्टर में से कुछ ना आएगा, मैं बता रहा हूँ जो मैंने करवाया, वो तो स्कूल में 3 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, यूज होता दिखेगा कॉम्पोनेंट आपको। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो वी नेट, वी एक्स और वी वाई क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। अब वी एक्स की वैल्यू तो मुझे पता ही है, 10 है, मुझे क्या निकालना है, वी वाई। अब वी वाई निकालने के लिए मेरे को एक चीज़ का आंसर दें तो मैं वी वाई निकाल सकूं, वो क्या, जो वी वाई वेलोसिटी है उसका एक्सिस क्या है, वाई की एक्स, वाई की एक्स, वाई है ना। तो मैं अपनी इक्वेशन किस एक्सिस में अप्लाई करूंगा वी वाई निकालने के लिए, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जब ये बॉडी यहां से यहां चली थी तो ठीक है, वाई एक्सिस अप्लाई कर लेते हैं, मैं इसको जरा मिटा रहा हूं, ये लो, वाई एक्सिस में फिर से एक बार इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी वाई। एक्सेलेरेशन क्या है, 10। तो मैं अप्लाई कर लेता हूं, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी वी वाई मुझे निकालना है, सिर्फ वाई एक्सिस को देखना और कुछ मत देखना, वी वाई को निकालना है। इनिशियल वाई की वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो जीरो, 10 और टाइम कितना था, अंडर रूट ऑफ 200। तो वी वाई आ गया, तो वी नेट की वैल्यू यहां से इजीली कैन बी कैलकुलेटेड। वी एक्स की जगह आप पुट कर देना 10 का स्क्वायर, वी वाई को पुट कर देना 10 इंटू 200 का अंडर रूट, सॉल्व कर लेना, नेट आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर आएगा? जब भी आपसे नेट वेलोसिटी पूछेगा, आप नेट वेलोसिटी में सबसे पहला काम क्या करोगे, वी एक्स निकालोगे, वी वाई निकालोगे और फिर उनका वेक्टर सम निकालोगे। सही है यहां तक? मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ बस, वी वाई यू प्लस 80। वेक्टर में कर ही ना, स्केलर में कर रहा हूँ।
सपोज करो क्वेश्चन है, एक प्लेन या एक रॉकेट आ रहा था, एक रॉकेट, और सपोज यहाँ पर इसकी जो हाइट है, क्वेश्चन में गिवन है इसकी हाइट 1000 मीटर थी। यहाँ पे कुछ एनिमी थे, तो आर्मी का प्लेन आया, टारगेट को उड़ाना है उन्होंने। तो क्वेश्चन है कि बताओ ये जो यहाँ से इन्होंने बॉम्ब को ड्रॉप किया, बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, प्लेन की अपनी स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड है, इन्होंने इस बॉम्ब को ड्रॉप किया। अब जब एनिमी को अटैक करना होता है ना, तो ऐसा नहीं होता पहले एनिमी के ऊपर जाएंगे, फिर वो उड़ता उड़ता बॉम्ब ड्रॉप करेगा, फिर तो पहुंच लिया, फिर तो और चलते हुए प्लेन में गिरोगे कैसे पहुंचेगा, नीचे गिरेगा ही नहीं, हेलीकॉप्टर में से गिरोगे तब नीचे गिरेगा, ड्रॉप करना है, रुके हुए वो भी चलती हुई बॉडी में से गिरोगे जो बॉम्ब, तो बॉम्ब प्लेन की वेलोसिटी लेके बाहर निकलेगा। तो प्लेन की वेलोसिटी कितनी है, 1000 टुवर्ड्स राइट, तो बॉम्ब निकलते ही इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले लेगा, 1000 मीटर टुवर्ड्स राइट। तो बॉम्ब निकल गया, तो प्लेन की वेलोसिटी लेके निकल गया, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी बॉम्ब की, जीरो। तो क्वेश्चन है कि ये बताओ कि एनिमी कितनी दूरी पे था, वो सेम प्रॉब्लम है। पहले आप वाई एक्सिस ले लेंगे, आप वाई एक्सिस पे लगा लेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1000 इज जीरो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, फिर क्योंकि डिस्टेंस एक्स निकालना है तो एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन कौन सी अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू बी टी, एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम, ये तो चेंज होगी नहीं, और टाइम की वैल्यू जो भी यहाँ से निकालेंगे उसको यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, एक्स कैसे निकलेगा। कुछ लोग कहते हैं हम एनडीए में जाएंगे, कुछ कहते हैं हम पायलट बनेंगे, तो ये चैप्टर तो उनका ऑल टाइम फेवरेट है, उनको ये तो वहाँ ट्रेन करवाया ही जाएगा। मतलब आप एयरफोर्स में जाएं और आपको प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री ना सिखाएं, बस फिर तो उड़ा लिया आपने प्लेन, कि यही तो गेम है सारी, तुम्हें क्या पता लगेगा बॉम्ब कहाँ गिरना है। तो सारा काम ट्रेजेक्ट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, और उसे जो प्लेन उड़ाएगा उसको भी पता है कि किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल की, क्योंकि प्लेन कैसे उड़ेगा, प्लेन जो है वो इस तरीके से नीचे आता है, तो वो भी पैराबोलिक पाथ ही कवर करता है, तो कितनी वेलोसिटी से एयरपोर्ट पे लैंड करेगा वो सब वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट हो सकती है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, इस क्वेश्चन में सपोज एक प्लेन आया, क्वेश्चन सॉल्व करो, एक प्लेन आया और सपोज इस प्लेन की हाइट 980 मीटर थी, ठीक है 980 मीटर है। क्वेश्चन है कि नीच यहाँ पे ग्राउंड पे फ्लड आया हुआ है, तो प्लेन ने राशन के कुछ पैकेट्स को घेर दिया, तो कैसे घेरा, उड़ता हुआ प्लेन आया उसने यहाँ से पैकेट को ड्रॉप किया, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पैकेट की क्या रहेगी, जीरो। तो यहाँ से यहाँ वो पैकेट गिर गया और लोगों ने इसको कैच कर लिया, तो यहाँ से यहाँ जब आया ये डिस्टेंस मान लो 1500 मीटर्स था, ठीक, ये डिस्टेंस 1500 मीटर पे लोग खड़े हुए थे जहाँ से इसने ड्रॉप किया। आपको बताना है कि प्लेन की वेलोसिटी क्या थी। अब एक क्वेश्चन और एक स्टूडेंट पूछेगा, सर हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं ड्रॉप किया, इतना मुश्किल क्यों किया, हेलीकॉप्टर ऊपर ले जाते वो रुक जाता, पैकेट ड्रॉप कर देते, मर्जी है प्लेन से करवाना है, चलते हुए प्लेन से गिरा ताकि आप वेलोसिटी निकाल सके, इसलिए। करें इस जर्नी को दो पार्ट्स में तोड़ दें, एक्स में वाई में, तो लिख लें अगर कंफ्यूजन हो रही है, डायरेक्टली नहीं लगा पा रहे तो यहां लिख लें एक्स एक्सिस और यहां लिख लें वाई एक्सिस, ऐसे। तो बोले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई में पैकेट की, जीरो।
और एक्स एक्सिस में जो प्लेन की वेलोसिटी है वही पैकेट की वेलोसिटी है। अगर प्लेन की वेलोसिटी यू है तो पैकेट की वेलोसिटी भी यू ही रहेगी। तो अगर मैं पैकेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल दूं तो प्लेन की वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और कितनी यू। तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 1500 मीटर, ये रहा राइट। वाई एक्सिस में एक्सलरेशन पता है मुझे कितनी, 9.8। तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट भी पता है मुझे कितनी, 980। तो आप अप्लाई करें एस यू टी हाफ 80 स्क्वायर, एस की जगह कितना 980, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, तो टाइम की वैल्यू स्टैंडर्ड वही 200 आ गई। इतने समय में पैकेट नीचे गिरेगा, उस टाइम को यहां पुट करते हैं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में ये इक्वेशन अप्लाई करें, एक्स की जगह 1500, वेलोसिटी यू और टाइम की जगह अंडर रूट ऑफ 200, तो यू की वैल्यू 1500, ये आंसर है, ये आंसर है। मेथड समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सही है। तो प्रोजेक्टाइल तो ठीक है, क्वेश्चन मतलब चैप्टर ठीक है, तो बुरा नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर सारे शुरू में ठीक होते हैं, सही है। कोई डाउट इसमें, वो एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पैकेट की वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 980, इस पैकेट की एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1500, और ये पैकेट यहां से यहां लैंड हुआ तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है 980 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, सही है, ठीक है। अगली बार इसे कंटिन्यू करते हैं।